नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव। मेरा नाम है काजल तिवारी। भोजपुरी फिल्मों के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह ने काराकाट को हॉट सीट में तब्दील कर दिया है। बिहार के काराकाट से लोकसभा का चुनाव लड़ने के उनके फैसले को स्मार्ट मूव बताया जा रहा है। अनुमान है कि पवन सिंह इस सीट से एनडीए के उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा को कड़ी टक्कर दे सकते हैं। बिहार की जातिवादी पार्टियों ने कास्ट को आव हवा में रचा बसा दिया है। जाति के हिसाब से ही टिकट बांटे जाते हैं और जाति के हिसाब से चुनाव लड़े और लड़वाए जाते हैं। कभी कभी लगता है कि राजनीति में कास्ट ही सब कुछ है। वैसे चुनाव जीतने वाला अपनी जाति का कितना भला करता है, इसकी कभी ऑडिट नहीं हुआ। अगर ऐसा हो जाए तो पोल खुल जाएगी। काराकाट लोकसभा सीट से भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह के चुनाव लड़ने को स्मार्ट मूव कहा जा रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह कास्ट कैलकुलेशन है। काराकाट लोकसभा क्षेत्र में रोहतास जिले का नोखा, डेहरी और काराकाट विधानसभा क्षेत्र आता है। इसके अलावा औरंगाबाद जिले का गुह, ओबरा और नवीन नगर विधानसभा क्षेत्र है। काराकाट में कुल 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। अचानक से इसकी चर्चा इसलिए होने लगी क्योंकि भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार पवन सिंह ने यहाँ से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। वैसे पश्चिम बंगाल के आसनसोल से भारतीय जनता पार्टी का टिकट पवन सिंह लौटा चुके हैं। उनकी इच्छा थी कि किसी भोजपुरी भाषी इलाके से पार्टी उम्मीदवार बनाए। मामला सेट नहीं हो पाया, लिहाजा पवन सिंह ने बुधवार को काराकाट से चुनाव लड़ने का ऐलान कर बिहार की राजनीति में खासकर एनडीए के बेड़े में खलबली मचा दी। पवन सिंह ने सोशल मीडिया हैंडल के जरिए काराकाट लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। पवन सिंह के चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद एनडीए से काराकाट के प्रत्याशी, पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोक मोर्चा सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह एनडीए का बेस वोट बैंक और पवन सिंह की फैन फॉलोइंग बताई जा रही है। हालांकि काराकाट में मुख्य मुकाबला एनडीए के प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा और महागठबंधन से सीपीआईएमएल के राजा राम सिंह के बीच है। दोनों ही कोयरी जाति से आते हैं। अब निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर भोजपुरी फिल्मों के मशहूर सिंगर एक्टर पवन सिंह भी अपना भाग्य अजमाने को बेताब है। ये वही सीट है जहां से एनडीए के निवर्तमान सांसद महाबली सिंह है, मगर इस बार उनसे ये सीट एनडीए ने छीनकर उपेंद्र कुशवाहा को दे दिया है। यूं कहे कि उपेंद्र कुशवाहा के खातिर महाबली सिंह की बलि चढ़ाई गई। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या पवन सिंह के मैदान में आने से उपेंद्र कुशवाहा पर असर पड़ता है या नहीं। काराकाट से चुनाव लड़ने को पवन सिंह के जिस स्मार्ट मूव का बात किया जा रहा है, कास्ट के हिसाब से बिल्कुल फिट बैठता है। भोजपुर से अलग होकर रोहतास जिला बना है। पवन सिंह भोजपुर जिले के रहने वाले हैं, मतलब सरकारी फाइलों में अलग है मगर ग्राउंड पर कुछ भी अलग नहीं है। आरा की तरह ही काराकाट सीट पर बड़ी संख्या में सवर्ण, खासकर राजपूत आबादी है। पवन सिंह राजपूत जाति से ताल्लुक रखते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यहां 2 से 2.5 लाख राजपूत वोटर है, 1 से 1.5 लाख ब्राह्मण और करीब 75,000 भूमिहार वोटर है। कोयरी कुर्मी वोटर 2.5 लाख है। इन इलाकों में एंटी लालू और प्रो लालू के नाम पर मतदान होता है। यही वजह रही है कि बाहरी होकर भी उपेंद्र कुशवाहा यहाँ से चुनाव जीते थे। पिछली बार जदयू के महाबली सिंह ने उनको हरा दिया था। इस बार का मुकाबला उपेंद्र कुशवाहा के लिए टफ दिख रहा है। एनडीए और महागठबंधन से कोयरी जाति के उम्मीदवार मैदान में है। कहा जा रहा था कि सवर्णों के पास उपेंद्र कुशवाहा को वोट देने के अलावा कोई चारा नहीं था। अब पवन सिंह के मैदान में आ जाने से उनके पास ऑप्शन हो गया है। बहरहाल, आपका इस खबर को लेकर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।